हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा डियर जिंदगी के बारे में, यानी कि शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म के बारे में। आप अगर सोचते होंगे कि मैं आज स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्यों वीडियोस बना रहा हूं, तो उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि प्रॉपर जगह आज मेरे पास भी नहीं, जहाँ पर मैं प्रॉपर टाइम के हिसाब से वीडियो बना सकूं। इसलिए मुझे ज़्यादातर स्क्रीन रिकॉर्डर करके आज मैंने जो भी वीडियो बनाया है, इसके पहले कहानी टू के और उसके बाद मैं जो दूसरा वीडियो बनाया था बेफिक्रे का, वो भी इसी तरह से बनाया। लेकिन मुझे न्यूज़ पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आप सभी के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट आपके पास न्यूज़ पहुंचाओ। तो आज बात करते हैं डियर जिंदगी के सेकेंड वीक के कलेक्शंस के बारे में, यानी कि 14 दिन का कलेक्शन आ चुका है। और जो हमारे सोर्स से तरण आदर्श की हम बात करते हैं, तरण आदर्श ने अच्छा खासा कलेक्शंस का आंकड़ा दिया है। तरण आदर्श ने कहा है कि डियर जिंदगी का जो वीक 2 था, वीक 2 में फ्राइडे में जो कलेक्शन किया, सेकेंड फ्राइडे को वो 2.25 करोड़ किया, सैटरडे को 3.50 करोड़ किया, संडे को 4.35 करोड़ किया, मंडे को फिल्म का कलेक्शन कम हुआ, ट्यूजडे को फिल्म का कलेक्शन उससे भी कम हुआ, और वेनसडे को फिल्म ने जो 1.05 करोड़ ही कमाए। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, यानी कि फिल्म ने अच्छा खासा 10-11 दिन निकाला, उसके बाद इसके कलेक्शन एकदम ही लो हो गए, यानी कि 92 लाख हो गए। लेकिन 92 लाख की भी अगर आप कलेक्शंस को देखें सेकेंड जो वीक आपका ख़त्म हो रहा है उसमें, तो उससे आपसे भी बहुत सही है। और जैसे कि हमने आंकड़े मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं कुछ 61 करोड़ के आसपास आंकड़े हुए थे। अब ये आंकड़ा एकदम प्रॉपर, मतलब 60 करोड़ के आसपास, 60.80 या 90 करोड़ मैंने बताया था, उस हिसाब से जो आंकड़ा हुआ है 14 दिन के बाद, वो हुआ है 61.49 करोड़। यानी कि इसको अच्छा कलेक्शंस कहेंगे। और ये फिल्म का जो मैंने बजट बताया 35 करोड़ बताया था, और ये 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी, जहाँ पे 1200 से स्क्रीन्स इंडिया में थे और 600 बाहर थे। तो इससे आपसे 61.49 करोड़ एक अच्छा कलेक्शन है। इस फिल्म का बजट तो भाई ऑलरेडी रिकवर हो गया है, और ओवरसीज भी ये फिल्म कमाल कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डियर जिंदगी का कलेक्शन सेकेंड वीकेंड में, यानी 14 दिन के बाद भी बहुत बढ़िया कलेक्शन रहा है। अक्सर देखा जाता है जो इस तरह कलेक्शन हुआ है फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक का, ये फर्स्ट वीक में फिल्मों का कलेक्शन होता है तो उसे एक अच्छी फिल्म कहा जाता है, लेकिन सेकेंड वीक में इतना अच्छा कलेक्शन है तो मतलब अच्छी बात है। यानी कि 2 करोड़, 5 करोड़, 5, 7, 8, 9 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 13, मतलब 14 या 14.5 करोड़ अगर फिल्म ने सेकेंड वीक में कमाए हैं तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है कि नहीं है। क्योंकि पहले वीक में कहीं ना कहीं फिल्म ने जो कमाए थे 44 या 47 करोड़ कमाया था, उससे आपसे सेकेंड वीक में फिल्म ने 14, 14.5 करोड़ कमाया, तो बहुत अच्छा कलेक्शन आप समझ सकते हो डियर जिंदगी का। इसी कलेक्शन से मैं इतना कह सकता हूँ कि फिल्म तीसरे वीक में भी अच्छी कमाल करेगी, और साथ ही साथ ये फिल्म जो इस हफ्ते रिलीज हुई है बेफिक्र को भी टक्कर देगी। तो देखते हैं किस तरह से इसके कलेक्शंस आते हैं सामने डियर जिंदगी को, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन इतना तो तय है कि फिल्म तीसरे वीक में भी चलेगी, थोड़ी बहुत चलेगी लेकिन जरूर चलेगी, और तीसरे वीक में भी करीबन करीबन 4 से 5 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो अब जाके इसका कलेक्शन आई थिंक मुझे अब लाइफ टाइम जो कलेक्शन फिल्म का लग रहा है वो करीबन करीबन 70 से 75 करोड़ लग रहा है। तो कुछ और बॉलीवुड खबर पर चलिए तो आपको जरूर बताऊंगा, और आप कितने एक्साइटेड है सेकंड वीकेंड के, या सेकंड सॉरी सेकंड वीक के कलेक्शन से आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय।